यूरोपीय देश फ्रांस बीते 3 दिनों से दंगों की आग में जल रहा है और इसके बाद फ्रांस की तमाम प्रकार के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। वहां पर मुस्लिम शरणार्थियों के द्वारा पूरे देश को आग लगाई जा रही है। तो इसी बीच फ्रांस में दंगों को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलावे वाला एक ट्वीट सामने आया है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध के सोशल मीडिया का खास एपिसोड सोशल हलचल, जहाँ हम बात करते हैं मध्य प्रदेश सहित देश और दुनिया की तमाम खबरों के बारे में। मंगलवार की देर शाम फ्रांस से कुछ तस्वीरें निकलना शुरू हुई। ये तस्वीरें थी हिंसा की। हिंसा फैली फ्रांस में एक 17 वर्षीय किशोर को गोली लगने के बाद से। बताया जा रहा है कि 17 वर्षीय एक किशोर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहा था, उल्टे पुलिस के साथ बदसलूकी कर रहा था। कुछ पुलिस वालों पर इसने गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस वालों ने गोली चलाई और ये गोली इस किशोर को लग गई। किशोर को गोली लगने के बाद से पूरे फ्रांस में जगह जगह पर आग लगना शुरू हुई, दंगे फैलना शुरू हुए, लोगों के घरों में पेट्रोल बम फेंके जाने लगे। इस तरीके की तस्वीरें एक के बाद एक कई शहरों से सामने आई। न केवल घरों, क्या मकान, क्या दुकान और क्या लाइब्रेरी, जिस तरीके से भारत देश में मुगलों के द्वारा नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों को जलाया गया था, इसी तरीके से फ्रांस में भी सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया। पूरे फ्रांस में इस समय बेहद गंभीर स्थिति है। स्थिति यहां तक पहुंच चुकी है कि फ्रांस में आपातकाल लगाने की खबरें भी सामने आ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के द्वारा आपातकालीन बैठक लगाई गई है। अब तक इस पूरे घटनाक्रम में लगभग 900 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और फ्रांस के राष्ट्रपति के द्वारा जो जानकारी दी गई वो बेहद चौंकाने वाली जानकारी है। बताया गया है कि अब तक जो भी दंगाई गिरफ्तार हुए हैं उनमें से अधिकांश 14 से 18 साल के बीच के बताए जा रहे हैं। ये सभी किशोर हैं और ये सभी शरणार्थी मूल से आते हैं। चूंकि ये जो किशोर जिसकी गोली लगकर मौत हो गई थी वो भी अल्जीरियाई शरणार्थी बताया जा रहा है, उसके बाद से लगातार ही मुस्लिमों के द्वारा फ्रांस को टारगेट किया जा रहा है। जगह जगह पर आग लगाई जा रही है। लोग इससे बेहद हैरान हैं क्योंकि यूरोप के एक बेहद ही समृद्धशाली देश में इस तरीके की तस्वीरें हर किसी को चौंकाने वाली नजर आ रही हैं। बता दें कि फ्रांस में 11% मुस्लिमों की आबादी है और महज केवल 11% आबादी ने पूरे फ्रांस को आग के हवाले कर दिया है। यहां तक कि पूरे फ्रांस में अब आपातकाल लगाने जैसी स्थितियां भी निर्मित हो रही हैं। इसी बीच फ्रांस के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट और प्रोफेसर एन जॉन कॉम का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फ्रांस भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यदि योगी आदित्यनाथ फ्रांस आ जाते हैं तो वे महज 24 घंटों में ही दंगों को काबू कर लेंगे। इसके अलावा एन जॉन कॉम ने एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर के साथ खड़े हुए दर्शाया है, जिसको लेकर भी अब सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर एक्शन को न केवल देश में ही पसंद किया जा रहा है बल्कि अब विदेशों से भी ये मांग उठनी लगी है कि दंगाइयों पर यदि कोई सख्ती से काबू कर पाता है तो वो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि लगातार ही अपने इसी तरीके के एक्शन के लिए जाने जाते हैं। हालांकि कुछ लोग हैं जिनको योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन से पेट में जलन होने लगती है और उसके बाद वे लगातार अनर्गल बातें और बयानबाजी सोशल मीडिया पर करते हैं। यहां तक कि योगी आदित्यनाथ को लेकर भी आपत्तिजनक ट्वीट करने से नहीं चूकते। ठीक ऐसा ही एम जॉन कॉम के ट्वीट को लेकर भी किया जा रहा है। कुछ लोग उन्हें भारतीय मूल का बताने पर तुले हुए हैं। अब असलियत क्या है वो तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी इस विषय पर राय क्या है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। यदि आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी, आप यूट्यूब पर आयुध को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।